आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स के अगले सूत्र की, जिसका नाम है पूर्ण अपूर्ण अभ्यम। मीन्स इसमें दो वर्ड्स हैं, पूर्ण और अपूर्ण। एक है बाय कंप्लीशन और बाय नॉन कंप्लीशन। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहले ये जो रूल है इसकी एप्लीकेशन है इक्वेशंस को सॉल्व करने की, जैसे क्यूबिक इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसके लिए कंडीशन है कि ये हर समय हर इक्वेशंस के लिए यूज़ नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं जो हम कंप्लीट कर सकते हैं स्क्वायर में या क्यूब में, उस तरह की इक्वेशंस को हम इस मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इक्वेशन को देख के उसको जज करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज द इक्वेशन। अब हमें अपने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है इस मेथड से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जज करेंगे और ये आइडिया लगाएंगे कि इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अगर इसमें हम कोई नंबर ऐड कर लें, एट ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो ये एक्स माइनस टू का होल क्यूब जो है बन सकता है, क्योंकि एक्स माइनस टू का होल क्यूब ये होता है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू बी, ये बी हो गया, प्लस थ्री टू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू क्यूब, टू क्यूब हो गया एट। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। अब देखिए, ये फाइनली बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स माइनस एट, ये बन गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। अब देखिए, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम अपने इस इक्वेशन में कुछ ऐड करें तो हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। अब हमें इस फॉर्म में लाना है तो हम इसमें फोर एक्स ऐड करते हैं। अब ऐड कर रहे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखिए, ये दोनों मिला के ट्वेल्व एक्स बन जाएगा। अब एट भी चाहिए हमें, तो एट ऐड और एट सब्ट्रैक्ट दोनों कर लेंगे। इस तरह से अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब देखिए, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं, ट्वेल्व एक्स माइनस एट जो रह गया है उसको सेपरेट लिख लेंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें इस फॉर्म में। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें, ये बन गया एक्स माइनस टू होल क्यूब, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें से फोर कॉमन ले लेना है। तो ये भी एक्स माइनस टू बन गया। ये देखिए, अब ये हो गया x माइनस टू होल क्यूब इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस टू। अब हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए x माइनस टू को y मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा y क्यूब इक्वल्स टू फोर वाई। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, y क्यूब माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखिए, एक तो y ज़ीरो आ जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, टू और माइनस टू। ये दो वैल्यूज हमें इस वाले से मिल जाएगी और एक हमें वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये थ्री हमारे आंसर्स आ गए। अब हमें ये आंसर्स इसमें पुट करने हैं, क्योंकि हमने एक्स माइनस टू को वाई लिया था, तो एक बार जीरो ले लेंगे तो एक्स टू आ जाएगा। एक बार हम टू लेंगे तो एक्स की वैल्यू फोर आ जाएगी। एक बार हम माइनस टू लेंगे, माइनस टू, तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये हमारे थ्री आंसर्स आ गए, एक्स जीरो, एक्स फोर और एक्स टू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग द क्यूब किया है। हमें अपनी इक्वेशन को क्यूब के फॉर्म में कंप्लीट किया पहले, फिर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये मेथड जो है, इसका नाम है पूर्ण अपूर्ण अभ्यम। थैंक यू।